12 साल पहले जिन्हें बनाया था मुस्लिम, अब उन्होंने अपनाया हिंदू धर्म। अस्सी सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में की वापसी। आजम खान पर फूटा गुस्सा, अब बताया कैसे बनाया था इन्हें मुस्लिम। और आज हम हिंदू धर्म में आए, हमें अच्छा लगा और हिंदू धर्म में अपने दोबारा रहना चाहते हैं। मेरा नाम इमराना और अब मैं हिंदू धर्म में आ गई तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा नाम कविता। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में घर वापसी का एक मामला सामने आया है। दर्जन भर परिवार के करीब 80 सदस्यों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है। रामपुर जिले के धोबी समाज से आने वाले इन लोगों को बगरा ब्लॉक के योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर ने गंगा जल से शुद्धिकरण कराया। सभी ने गले में जनेऊ धारण किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। सभी लोगों ने यज्ञ में आहुति डालकर इस्लाम से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। और हिंदू धर्म में वापसी के तुरंत बाद इन लोगों ने रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मेरा नाम इमराना और अब मैं हिंदू धर्म में आ गई तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा नाम कविता। हम 12 साल पहले बने थे। ऐसा क्या हुआ था जो आपको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा था? क्या था? आजम सामने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छाई नहीं दी और हमारे साथ बहुत बुरा जुलम करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके उनकी दबाव में हम बनाए गए थे और उन्होंने ही हमारी जगह जमीन भी सभी उन्होंने छीनी है और आज हम बर्तन काबिल भी नहीं है। बहुत गरीब, इतने तनहा हो गए। अब अपने हिंदू धर्म में आके हम बहुत खुश हो गए, चाहे हमें नमक की रोटी मिल जाए। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि इन लोगों की जमीन जायदाद भी आजम खान के गुर्गों द्वारा हड़प ली गई थी, जिससे परेशान होकर आज 12 साल बाद इन सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है और पहले भी ये नाम था। क्या कहते हैं, आजम खान के दबाव में हम लोग मुसलमान बने और आजम खानों ने बहुत कुछ करा, मेरे साथ जमीन जायदाद हमारी सब छीन ली और बहुत लोग हिंदू भाई, कई लाख लोग परेशान हुए इस आजम खान की वजह से। जबरदस्ती मुसलमान बनाया हमें, जब हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमें परेशान करा, अब हम एक एक टुकड़े से दर्जू हुए। मेरा नाम नवेद, अब मेरा नाम प्रेम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुर के रहने वाले हैं। नावेद, क्या हुआ था कि हम जब आपको हिंदू से मुसलमान बनना पड़ा? हम 12 साल पहले हम पे दबिश पड़ी, आजम खान के आदमियों ने दबिश डाली और दबिश के बाद में हम मुसलमान बने और फिर अब हम अपने धर्म में आ गए और उनके दबिश की वजह से हम अपने दोबारा। किसने दबिश गिरवाई थी? उनके आजम के आदमियों ने दबिश गिराई थी। अच्छा, उसके बाद हमारा अपने अपराध करने से आजम खान को क्या फायदा मिलता था? अब देखो, उन्हें पता होगा गरीबों को सताना और गरीबों को बर्बाद करना उनके पता नहीं क्या है। पर आज हम हिंदू धर्म में आए, हमें अच्छा लगा और हम हिंदू धर्म में अपने दोबारा रहना चाहते हैं। हालांकि धर्म में वापसी कराने वाले यशवीर जी महाराज ने बताया कि रामपुर निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के कई परिवारों के 80 सदस्यों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। इन सभी लोगों पर समाजवादी सरकार में आजम खान के द्वारा अत्याचार किया गया था। देखिए, ये लोग रामपुर के रहने वाले हैं और संख्या में 80 हैं और धोबी जाति और दलित वर्ग के हैं और इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए समाजवादी सरकार में आजम खां के द्वारा, और आजम खां के गुंडे इन लोगों के बीच में जाते और कहते कि ये मुसलमान बन जाओ। जब ये नहीं बनते थे तो इन पर दबाव डाला जाता था, यातनाएं दी जाती थी। अब गरीब लोग थे बेचारे, डर करके हिंदू से मुसलमान बन गए। लेकिन अब भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में इनका स्वाभिमान जाग रहा है और इनके अंदर एक जागृति आ रही है, तो ये अब आश्रम में आकर के घर वापसी कर रहे हैं और पुनः अपने पुराने हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। ऐसे आपने अब तक कितने लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई, घर वापसी कराई है? देखिए, 450 लोग पहले घर वापसी कर चुके थे और 80 आज इन्होंने घर वापसी की है, तो 530 संख्या में हो गए, तो 530 मुसलमानों ने घर वापसी करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। कितने परिवार के लोग हैं महाराज जी?
ये कितने परिवार के लोग हैं? एक ही परिवार है या अलग अलग परिवार से है? नहीं, वैसे ये मानिए कि धोबी हैं तो धोबियों का अपना एक खानदान है, और जो दलित हैं उन दलित का भी अपने खानदान है। महाराज जी, आजम खान पर सवाल उठे हैं, इन्हें दबाव का, जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का, किस आईने से इसको देखते हैं, क्या इसको समझते हैं? आजम खान की राजनीति इस समय जो है खत्म स्थिति में है और वे जेल भी जा चुके हैं। देखिए, आजम खान को अगर आज का खूंखार औरंगजेब कहा जाए तो गलत नहीं है। जो औरंगजेब बादशाह ने अपने शासन में हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे, उससे भी ज्यादा ये अत्याचारी है और बहुत बड़ा गुंडा है। और आज रामपुर के अंदर जो रामपुर हिंदू बाहुल्य था, आज रामपुर हिंदू कम होते हुए जा रहे हैं और मुसलमान बाहुल्य हो चुका है। उसका यही कारण है कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में किया गया है। फिलहाल रामपुर के इन 80 मुस्लिमों ने घर वापसी कर ली है, लेकिन आजम खान पर एक गंभीर आरोप जरूर लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि इस आरोप के बाद आजम खान की मुश्किलें कितना बढ़ती हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।